अपने भाई हैं, तो उन्होंने भाई मेरे को अपनी स्क्रीनशॉट भेजा माइलेज का। भाई मैं शॉक्ड रह गया लिटरली। मैं आपको उस वीडियो के साइड पे आपको दिखा दूंगा भाई, उनका स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजा भाई, 3 की माइलेज। 3 की माइलेज कौन दे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई मैं हूँ आपका दोस्त यतिन। तो भाई आपने मेरी लास्ट वीडियो पे का जो मैं गया था बरोट, तो भाई आपने काफ़ी प्यार दिया, तो ऐसा प्यार बनाए रखेगा। तो भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मेरी गलती बताएं कि मैं कहां पर अपना उसको सुधार सकता हूं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में मैं अपना जो मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो एन 4x2 डीजल मैनुअल Z6 वेरिएंट, भाई 3800 लगभग चल चुकी है, तो मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि अभी तक मेरे को अपनी गाड़ी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो एक जेन्युइन फीडबैक है जो बाकी कस्टमर को और जो इनकी गाड़ी भाई लोगों की आनी है, जिनकी गाड़ी ट्रांजिट में है, तो उनको हेल्प मिल पाएगी भाई गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए ही भाई मैं अपना एक जेन्युइन फीडबैक दूंगा एक एज ए कस्टमर, ठीक है। तो भाई गाड़ी तो आपने देख ली यार, गाड़ी भाई लग तो चीता रही है ना भाई, गाड़ी तो प्यार है भाई, ठीक है। तो भाई अंदर चलता हूँ, बाहर बहुत गर्मी है थोड़ी सी, भाई मौसम साफ है बट स्टिल स्वेटिंग वाली थोड़ी सी गर्मी हो रखी है। अंदर चलता हूँ, अंदर बैठ कर आराम से आपको बताता हूँ कि भाई मेरा क्या फीडबैक है, चलते हैं फिर। तो भाई मैं अंदर आ गया हूँ, देख लो पसीने आ गए हैं थोड़ी देर में ही। तो भाई मैं बात कर रहा था अपनी गाड़ी के फीडबैक की, तो भाई मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो भाई चलते हैं, 3762 किलोमीटर चल चुकी है मेरी, ठीक है। तो भाई गाड़ी ने जो अभी तक आपको पता है कि मैं हिमाचल 2 बार जा चुका हूँ, जीबी भी, बरोड भी, और एक बार मैं जयपुर का ट्रिप लगा चुका हूँ, तो 3 ट्रिप लगा चुका हूँ। मैंने गाड़ी ली थी 28 मई को, तो अभी तक लगभग 1.5 महीना हो चुका है मेरे को गाड़ी लिए हुए, 1.5 महीना से 2-4 दिन ऊपर ही हो गए हैं। तो भाई गाड़ी ने स्टार्टिंग में आपने देखा था, जो चैनल पे पुराने हैं और जो नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, जिब्बी वाली, तो गाड़ी ने एक बार इशू दिया था। वो अभी तक मेरे को इशू नहीं पता चला, जो भाई महिंद्रा ने तो यही बताया कि हाँ भैया डिस्टेंस बना के चलो, ये चलो भाई बम्पर टू बम्पर में अब कोई पीछे से आ रहा है तो बम्पर बम्पर ही चलती है, तो उस चीज़ का मेरे को अभी तक पता नहीं चला क्यों आया था। हाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट किया था जो इंजन चेक अलर्ट के लिए, वो चीज़ तो प्रॉब्लम एक बार आई थी, उसके बाद दोबारा नहीं आई, तो मैं अभी तक तो नहीं गया, ठीक है। और बाकी जो बाकी भाई मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का हिमाचल पे, भाई 4x2 के हिसाब से भाई गाड़ी में बहुत पावर है गाड़ी में। मेरे को कहीं भी ऐसा फील नहीं हो कि मेरी गाड़ी स्टक हो जाएगी रुक जाएगी। तो भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई यूट्यूबर्स को फॉलो करके 4x4 खरीद लें, अपनी हार्ड मनी को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है फुल ऑफ रोडिंग तो भाई मत लो, 4x2 लो भाई, जितना रिक्वायरमेंट होती है एज ए फैमिली और सब कुछ वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हाँ कोई एक्स्ट्रा ही तुमने ऑफ रोडिंग करनी है स्नो पे मड पे तो भाई अलग बात है, उसके लिए तो हाँ 4x4 ही चाहिए भाई, ये फंस जाएगी, तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई हिमाचल में गई इतनी बार गई, आपको पता है कि भाई गड्ढे आते हैं, रफ सड़क आती है, रफ पैचेस इतने सारे आते हैं हिमाचल में, तो भाई कोई भी रैटलिंग नॉइज नहीं है गाड़ी में अभी तक भाई, नहीं तो गाड़ी खड़खड़ करना शुरू कर देती है और फिर इसको फिर जाओ भाई सर्विस सेंटर पे और उसको कसवाओ नट नोट कसवाओ। तो भाई महिंद्रा ने इस चीज़ पे बहुत बढ़िया काम किया है, तो उस चीज़ के लिए भाई मैं बिग थम्स अप कहूँगा महिंद्रा को कि भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पे महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया। तो हाँ भाई थोड़ा सा इशू R&D महिंद्रा को करना चाहिए, जैसे कि भाई एप्पल कार प्ले अपडेट भाई Z6 का अभी तक नहीं आया, ठीक है भाई Z6 का दे दो यार, क्यों भाई मोबाइल पे मेरे को अभी तक नेविगेशन लगाना पड़ता है। तो और जैसे कि भाई थोड़ी सी R&D इंजन चेक अलर्ट सिस्टम आता क्यों है भाई, मेरे को सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट कराना क्यों है भाई। 1 साल तक R&D चली है महिंद्रा की गाड़ी की, ठीक है, उन्होंने फुल R&D की है, और कभी भाई
मेरे में अभी भगवान की दया से भाई स्टेयरिंग में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, आएगी तो फिर दिखाएंगे ठीक है। तो भाई बाकी कई कई गाड़ियों में आपने, मैंने पिछली भी गाड़ी का एक रिव्यू बनाया था अपने भाई की, तो उसकी स्टेयरिंग में नॉइज़ है, स्टेयरिंग में वाइब्रेशन है ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं एक नई गाड़ी से एक साल R&D के बाद ठीक है। और भाई और माइलेज की बात बताऊँ अपनी गाड़ी की, भाई माइलेज मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है अभी तक भाई। पहाड़ों में इसने मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं लगाऊँ तो 10 या 11 की माइलेज तो दी है ठीक है, 10 11 12 ऐसे रही है। और हाईवे पे तो मेरे को 15 भी दी है गाड़ी ने, तो माइलेज के मामले में मैं भाई मैं सेटिस्फाई हूँ इससे, इसकी माइलेज से भाई, क्योंकि इतनी बड़ा इंजन है, इतनी हैवी गाड़ी है और फुली लोडेड थी, आपने देखा था मेरी पूरी फैमिली बैठी थी, और टायर भी 18 इंच के 80 टायर है, HT टायर होते तो शायद थोड़ा सा माइलेज मेरे को और बढ़ जाती ठीक है। तो भाई ये चीज़ें भी फैक्टर करती है, तो आप भी अगर माइलेज कंसर्न कर रहे हैं, और हाँ भाई माइलेज कंसर्न से मुझे याद आया भाई, भाई एक Z2 वेरिएंट का अपने भाई हैं, तो उन्होंने भाई मेरे को अपनी स्क्रीनशॉट भेजा माइलेज का, भाई मैं शॉक्ड रह गया लिटरली। मैं आपको उस वीडियो के साइड पे आपको दिखा दूंगा भाई उनका स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजा भाई, 3 की माइलेज। 3 की माइलेज कौन देती है भाई, BMW है, ऑडी है भाई। मैं तो शौक रह गया भाई, मैं तो गाड़ी गाड़ी कर देता, इससे अच्छा तो भाई चलानी क्यों है, इससे अच्छा मैं लग्जरी गाड़ी लेके भाई उससे फन तो लेता और ज्यादा भाई। आप तो आप भी अगर पेट्रोल गाड़ी देख रहे हैं, स्कॉर्पियो है या अगर आ रही है आपकी ट्रांजिट में है, तो भाई माइलेज आपका अगर कंसर्न है तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, माइलेज के लिए भाई ये गाड़ी नहीं बनी है ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट। अगर हाँ डीजल ले रहे हैं तो भाई दिल्ली NCR में आपको पता है रूल रेगुलेशन जितने चल रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा होता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपा तो बस ये है कि गले के उस पर चल रहे हैं ठीक है, जब तक चल रही है तो चल रही है ठीक है। तो माइलेज अगर कंसर्न है तो भाई आगे तो आप डीजल गाड़ी लो, नहीं तो आप कोई और गाड़ी ले सकते हो फ्रंट। अभी सफारी का सुनने में आया कि पेट्रोल वेरिएंट आया है भाई, MG एक्टर भी इतनी माइलेज देती है 5, 6, 7 की ठीक है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं फिर। तो भाई भाई अपने अपनी चॉइस होती है, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ तो, बट 3 की माइलेज मेरे को बहुत कम लगी उस चीज़ के लिए भाई। अब वो तो चलाने के ऊपर भी डिपेंड होता है भाई, अगर तुम इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी ले रहे हो, और उसको तुम लाइट बिल्कुल ही एकदम 40-50 पे चलाओगे तो भाई वो मज़ा रह नहीं जाएगा, वो गाड़ी लेने का फ़न नहीं रह जाएगा जो मेरे को लगता है भाई। कार एंथुसियाज्म भाई थोड़ा सा भाई कभी कभी पंजा दबाने का बहुत मन करता है भाई, जहाँ देखी खुली सड़क और दबा दो पंजा ठीक है। अपना तो ऐसा ही है भाई ठीक है, फिर उसमें माइलेज मुलेज नहीं देखते, फिर तो भाई चलने दो भाई, फन आ रहा अपने को, उसमें खुशी मिलती है भाई कई बार। तो भाई तो ये चीज़ तो भाई मैटर करती है। तो भाई आप और बताऊँ गाड़ी के बारे में भाई, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस, और भाई सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल, इतना कॉन्फिडेंस लेवल देती है गाड़ी भाई, कहीं से भी अलग टेरेन पे निकालने पे ठीक है। तो कोई भी टेरेन आए भाई, रफ रोड्स आई, इतनी पहाड़ी पे आपको दिखाऊं, आपने पिछली वीडियो में देखी ही होंगी भाई, छोटी छोटी नैरो रोड्स आई भाई, कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी नहीं निकल पाएगी, तो उस चीज़ के मामले में मेरे को बहुत बढ़िया लगी भाई। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखो, सब कुछ सब कम ब्रांड में प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ मेजर इशू मेरे को नहीं आया है। मेरी 3762 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक 1.5 महीने में। तो भाई आई होप आगे भी ऐसी जर्नी चलती रहेगी और आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो आप भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भाई ऑलरेडी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप देखते रहिएगा, तो उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू। मेरे को भाई इस चीज़ से पता बूस्ट मिलता है एक,
कि हाँ यार मेरे को और जाना चाहिए, मेरे को और नई वीडियो बनाना चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अगर बूस्ट नहीं मिलेगा तो भाई मैं फिर अपना घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है अपना। हमें अपने पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रख के कई बार वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो भाई जहाँ एक घंटे का प्रोसेस होता है, वहाँ 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तो भाई को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, जितना दिखा सकते हो दिखाओ। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करूँगा। भाई तो मैं तो अभी तो यहाँ आया हूँ भाई, यहाँ पर लोग गाड़ी सीख रहे हैं। ठीक है, देख लो गाड़ी सीख रहे हैं और हम यहाँ पर अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो भाई मैं और आगे आने वीडियो में जल्दी मैं आपको Z2 का जो भाई की पेट्रोल गाड़ी है उसका जल्दी आपको रिव्यू लेके आऊँगा, और सेकंड भाई जिमनी का भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब गाड़ी की तो हो गई परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव जो मेरे को मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया। तो भाई अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, भाई कुछ लोग सेरेमिक कराते हैं 25-30 हज़ार पे 35 हज़ार पे, भाई वेरी करता है वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे। ठीक है, तो भाई सेरेमिक कराने का मैं सही बताऊँ मेरे पर्सनल ओपिनियन से कोई फ़ायदा नहीं है बाहर जाके 25-30 हज़ार पे। भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है उस चीज़ का, भाई वो लोग भी यही चीज़ लगाते हैं। तो ये है भाई मैगियोर्स का सिंथेटिक सीलेंट 2.0 प्रोफेशनल सीलेंट। तो भाई इसको भी आप लोग अगर उनके आप शोरूम पे गए हो जहाँ पर सेरेमिक वगैरह होते हैं, भाई उनके वहाँ पर भी यही सेम चीज़ पड़ी होती है। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था कुछ 1400-1500 का शायद, मुझे याद नहीं है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो में अटैच कर दूंगा। और दूसरी चीज़ इसको लगाने के लिए भाई आप जो डिटेल्स पढ़ लेना, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अपनी स्कॉर्पियन पे अप्लाई करके दिखाऊं पूरी वीडियोस पे, तो भाई उसमें कमेंट सेक्शन में बताना, तो अगली वीडियो को मैं उसमें ये जरूर अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए भाई ये फॉर्म मैंने मंगवाया था, ये भाई फॉर्म होते हैं, मैं एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ उसको, तो भाई मेरे को शाइनिंग वगैरह मेरे को बहुत पसंद आई। तो भाई ये फॉर्म है, ये पैकेट आता है 3 का, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो भाई ये महीने में आप एक बार तो अप्लाई कर सकते हैं, महीने डेढ़ महीने में आप एक बार अप्लाई करो, और भाई इससे शाइनिंग और आपकी जो वाटर रेजिस्टेंस वाली वो चीज़ दिक्कत होती है ना कि वाटर ठहर जाता है वगैरह, इससे सब कुछ दूर हो जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ भाई सेरेमिक भी करती है। और दूसरी चीज़ भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम हमारा जो वाइपर्स है उसके लिए भाई अंदर पानी में अंदर सिंथेटिक फोम डालना ये बहुत ज़रूरी है। ये फोम मैं बता देता हूँ आपको, ये स्क्रीन वॉश, ये क्रिस्टल विजिबिलिटी स्क्रीन वॉश भाई ये चीज़ है। तो आप इसको भी अगर आपने वाटर टैंक में जो वाइपर वाला वाटर टैंक होता है आगे पंपर पे, ठीक है, तो उसमें डाला करो हमेशा। इससे भाई फ़ायदा ये है कि एक तो आपका वाइपर जो है सॉफ्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और दूसरा विंडशील्ड पे भाई कोई स्क्रैच नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी को अपना मेंटेन करना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी रेफर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप चाहते हैं तो भाई मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करते रहना। तो भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, फुल जोश के साथ। उसके लिए गुड बाय।